नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल में आज आंगनवाड़ी वर्करों का जेल भरो आंदोलन है, जिसको चलते हजारों की संख्या में यहां पर आंगनवाड़ी वर्कर पहुंची हैं और जेल भरो आंदोलन की तैयारी है। जिला प्रशासन की तरफ से यहां पर तैयारी की जा रही है और आज जेल भरो आंदोलन के तहत जो है गिरफ्तारियाँ देने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ पर पहुँची हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं रूपा रानी। आज क्या जेल भरो आंदोलन क्या तैयारी है? आज जेल भरो आंदोलन है हमारा और आज सीएम साहब से हमारी आर पार की लड़ाई है। हम बताएंगे सरकार को कि कैसे वादा करके मुकरा जाता है। और जो आज अखबार में खबर लगवा रखी है सीएम साहब ने, चंडीगढ़ से खबर लगी हुई है, एसमे लागू उतारे कर दिया। हम एसमे को भी तोड़ेंगे, हम ऐसे डरने वाले नहीं है सरकार से। सरकार भी तो कानून बनाती है और तोड़ती है, हम भी कानून। अगर सरकार हमारे ऊपर एसमा लगाएगी तो हम उसको भी अच्छी तरह से समझने के लिए तैयार हैं। और आज आज हमारी जेल जाने की तैयारी है। प्रशासन हमारे लिए साधन मुहैया कराए और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। तैयारी यहाँ पर बसें तो अभी आई नहीं, ये प्रशासन को देखना है कि बसें कब आएंगी, कितनी आए, कितनी लानी है, हमारी संख्या देख लो। और हम सारे के सारे जेल जाएंगे तो जाएंगे, कहने का मतलब क्या कोरोना काल है, अब गिरफ्तारी नहीं होगी। अरे कोरोना से हम नहीं डरते, असली कोरोना तो ये सरकार है जिसने बरगला कर लोगों को कोरोना के नाम पे भूखमरी की ओर देश को धकेल दिया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि सरकार हमें कुशल अर्ध कुशल के दायरे में लाए और 1500-750 जो हमारी मेन मांग है 2018 से, उसके लिए हम आज ये जेल जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। खट्टर साहब हमारे 2018 जो पीएम साहब ने घोषणा करी थी उसको हम हर कीमत पे सीएम साहब से लेके रहेंगे। आज ये पूरे जिले की है और आज ये पूरे प्रदेश में जिले वाइज पूरे हरियाणा में प्रोग्राम है। गिरफ्तारी नहीं करता तो क्या कदम होगा? हम यहीं रहेंगे और यहीं पड़ाव घेरेंगे अपना। प्रशासन हमें गिरफ्तार करे और नहीं अन्यथा उसका भुगतान भी प्रशासन को। नहीं नहीं, सरकार ने हमें ऐसे मांगे मारने की, ये मांगे माननी है सरकार ने, हमें एक किस्म से मिठी गोली देने का काम सरकार ने किया है। और जो दूसरी यूनियन है बीएमएस की, जो उनकी दलाल है, उनके कहने पे सरकार ने मतलब ये घोषणा करी है, हम इसको नहीं मानते। सरकार हमारे से बात करे, मांगों का समाधान करे। बीएमएस तो पहले से ही अलग ही है, वो तो अलग से अपने फैसले कर रही है जी, अलग से फैसले करती है। वो तो सरकार के पाड़े की यूनियन है, सरकार के पाड़े की यूनियन है वो तो, उसका हम उसको उसके फैसले को हम फैसला नहीं मानते। सीएम साहब हमारे साथ बात करें तब हम फैसला मानेंगे। अगर बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार साहब यहाँ पर पहुँचे हैं और गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पर अब अगला कदम क्या होगा आप तो देख रहे हैं कि तहसीलदार बीच में पहुँच गए हैं। तहसीलदार राजबक्स यहां पर पहुंचे हैं और यूनियन के पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए दस दिन का बहुत लंबा टाइम है जी। सुनो जी, सुनो, रिक्वेस्ट है इस बारे में, 15 तक हड़ताल डिक्लेयर है। हमारा ये अभी कोरोना का टाइम है, ठीक है ना, कि जितनी जल्दी नहीं मर जाए तो हम तो उतनी जल्दी इसके पक्ष में निपटाने के। 15 तक डिक्लेयर है, अभी 15 से पहले यदि बात हो जाए तो हम 15 को भी खत्म कर देंगे इसको। 15 14 को जो ये बात, 13 को जो मर जाए तो उसी टाइम खत्म कर देंगे। और सिर्फ 1500-750 बात तक रही, बाकी सहमति बन रही है सीएम साहब की मीटिंग में। वो हमारी तरफ से इस बारे में रिक्वेस्ट है, आज वर्कर नहीं जाएंगे यहाँ से, ये हमारी यूनियन का फैसला है। जब तक हमारी बातचीत का समय नहीं दिया जाता, बाकी प्रशासन इसके बारे में देखो क्या प्रोग्राम बनाया, क्या वो बनाया, वो आपकी मर्जी से बात हुई थी। जी, सब पकवा दिया था, मैं मिलकर आया हूँ खुद, और ये बात बताई है डीसी साहब ने, मैं 10 दिन के अंदर अंदर मैं मीटिंग करवा दूंगा, ये बात बोली है। वो एक बार हम बात कर लेंगे। 10-6 बजे मारे यदि कल परसों यदि बात होती है 15 से पहले तो ये कोरोना में धरना खत्म हो जाएगा हमारा ये कहना, और 10 दिन में मिले तो 10 दिन और चलेगा ये नेचुरल है। एक बार मैसेज भिजवा देंगे। हेलो,
हमारा ये कहना है, आज पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन है, पूरी जेल भरो आंदोलन नहीं है खाली, हमारा ये है सीएम साहब, हमारी जो लगभग एक मांग पे गड्डी अटकी हुई है। तहसीलदार आपके पास आए थे, क्या कह रहे? हमने उनको ये कहा अभी आप 15 तारीख तक डिक्लेयर हमारी हड़ताल है, वो कह रहे थे भी 10 दिन तक समय दिलवा देंगे हम, लेकिन हमारा ये कहना है अभी कोरोना का समय है, यदि जल्दी बात हो जाए, मुद्दा निमट जाए तो हम जल्दी हड़ताल खत्म कर देंगे, और यदि 10 दिन का टाइम मिलेगा तो 10 दिन ये धरना नेचुरल आगे और चलेगा। आज ये है जेल भरो आंदोलन है, टेम्परेरी जेल बना के जहां हमारे को छोड़ेंगे, उसके बाद वहां सारे कर्मचारी आंगनबाड़ी वर्कर हर बार इकट्ठे होके दोबारा से फिर यहीं, चाहे हमें रात को भी बैठना पड़े, हम रात को यहाँ पे बैठेंगे। मिले नहीं अभी, डीसी साहब का मैसेज आया, तहसीलदार साहब लेके आए थे भी, हम 10 दिन का टाइम दिलवा देंगे, लेकिन हमारा ये कहना है अभी 10 दिन का दिलवाएंगे तो 10 दिन और चलेगी हड़ताल, और यदि 15 तक हड़ताल डिक्लेयर है हमारी, 15 तक, यदि 15 से पहले टाइम मिलता है तो कोरोना में हम इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। ये 5वीं बार बात होगी यदि टाइम मिलता है हमारे को, 4 बार सिर्फ एक सब बात माननी हुई है, लगभग सिर्फ 1500 साढ़े 700 2018 में मुख्यमंत्री मोदी ने जो डिक्लेयर कर रखे विधानसभा में, हमारी मांग है भी बहुत कम मानदेय है इनका, भी 1500 साढ़े 700 रुपए इनको दिए जाएं। तो मामला पेच वहीं अटका हुआ है कि 1500 और 750 रुपए जो आंगनबाड़ी वर्करों की मांग है वो चाहते हैं, बहुत कम मानदेय मिलता है सरकार की तरफ से, इसी को लेकर के जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं मुखर हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, और उनका कहना है कि अगर 10 दिन का टाइम और आगे बढ़ाया जाता है तो उनकी हड़ताल भी आगे बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि अभी तहसीलदार व डीसी के पीए द्वारा यहां पर जानकारी दी गई है कि 10 दिन तक इनका मामला सॉल्व कर दिया जाएगा और सरकार से बातचीत की जाएगी, परंतु अभी तक उनका कहना है कि जब तक आश्वासन पूरी तरह से नहीं मिलता सरकार बातचीत नहीं करती। 5 दौर की पहले बातचीत हो चुकी है परंतु अभी तक फाइनल बातचीत नहीं हुई, जिसको लेकर के वो अब हर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें, लघु सचिवालय के गेट पर अब धरना प्रदर्शन जारी है, सड़क के ऊपर बैठ गई हैं सभी, हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं कि जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, लघु सचिवालय के गेट पर धरना जारी है और धरना प्रदर्शन जारी है। प्रशासन की तरफ से अभी डीसी ने आश्वासन दिया कि 10 दिन में उनकी बातचीत फाइनल कर दी जाएगी, मुख्यमंत्री से बातचीत करवा दी जाएगी, परंतु उनका कहना है कि अगर इस मामले को और लटकाया जाएगा तो उनकी जो यह धरना प्रदर्शन है जारी रहेगा, 15 तक उन्होंने ऐलान किया है और 10 दिन और भी पीछे हट सकता है तो 25 तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, नहीं तो सरकार उनकी मांगों को जल्दी से जल्दी लागू करे। फिलहाल जिला प्रशासन चाहता है कि गिरफ्तारियां ना हो, आश्वासन देकर इनको वापस भेज दिया जाए, परंतु सभी महिला आंगनबाड़ी वर्करों का कहना है कि वह वापस नहीं जाएंगे और ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल देखना यह है कि आंगनबाड़ी वर्कर सरकार के इस आश्वासन पर विश्वास करती हैं, धरना प्रदर्शन खत्म करती हैं या नहीं। मैं हूं करनाल से, केसीआरए पंजाब केसरी टीवी।